हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज जो हम जानेंगे आधुनिक समय में पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उन्हें आप हल कर सकते हैं उनके बारे में। भाई, मेरा चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पेपरों में जो सवाल आते हैं वो ज्यादातर आते हैं मिलान के लिए, मिलान के लिए आते हैं इस प्रकार से। मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है कि सूची वन से सूची टू को मिलाइए, ठीक है। ये स्थान है और ये जहां से वे ये मिले हैं, यानी पुरातात्विक स्थल है, ये स्थान है। कौन सा स्थान कहां से मिला है उसके बारे में, ये इसके आंसर है। इनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हें किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि देखो, जारवे संस्कृति, सभी को पता है कि जारवे संस्कृति, आप इसमें फटाक से आसानी से जल्दबाजी में निशान लगा देंगे, भाई ये जारवे तो वहां से मिली थी, कास्ता संस्कृति यहां से, ओजियाना यहां से मिली, रोजदी यहां से मिली। और मैं चाहता हूं कि आप इनके बारे में थोड़ा विस्तार से भी जान लें। जैसे कि देखो, जारवे संस्कृति जो है, जारवे संस्कृति कहां की है, महाराष्ट्र की, ठीक है। तो जारवे संस्कृति जो महाराष्ट्र की है, यहां से हमें क्या क्या चीजें मिली। नंबर एक, देखो जो जारवे संस्कृति है, इसका जो समय है विकास का, यानी जब ये अपने प्रचलन में थी तो 1400 से 700 ईस्वी तक ये संस्कृति ईसा पूर्व तक देखो रही। दूसरा, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, कौन सी, ताम्रपाषाण युग की संस्कृति है। यहां से हमें क्या क्या चीजें मिली, इसकी खोज किसने की थी, खोजकर्ता जो थे, ठीक, खोजकर्ता थे H.D. सांकलिया, इन्होंने इसकी खोज की थी। हमें यहां से जारवे संस्कृति से कौन कौन से अच्छे पुरातात्विक स्थल मिले, देमाबाद, सोनगाम, ठीक है, सोनगाम, देमाबाद, ये इसके पुरातात्विक स्थल हैं। और हमें यहां से कौन सी महत्वपूर्ण चीजें जो मिलती हैं वो कहा, ठीक है ना, एक नेवासा, ये भी पुरातात्विक स्थल है जो भी जारवी संस्कृति से संबंधित है। और यहां से हमें जो मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तांबे से निर्मित क्या मिलता है, रथ चलाता मनुष्य, ये हमें जारवे संस्कृति से ही मिलता है। और यहां से मिलता है हमें गेंडा, हाथी, ठीक है ना, रथ मिलता है, गेंडा, हाथ, गेंडा और हाथी मिलते हैं। और जो मिलता है वो मिलता है टोंटीदार बर्तन, ठीक है। और यहां से रेशम का धागा, ये हमें यहां से मिलता है। ये वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पेपरों में आते हैं। दूसरा, अब हम जो बात करते हैं वो ये कि कायता संस्कृति कहां से है। तो जो कायता संस्कृति है वो मध्य प्रदेश की है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में कायता संस्कृति का जो समय है वो क्या है, कायता संस्कृति का जो प्रचलन का समय था जहां ये, जब ये विकसित थी, तो ये 2000 से 1800 ईसा पूर्व में इस संस्कृति के अपने विस्तार रूप में थी, ठीक है। अब हमें ये मिलती कहां से है, इसकी जो खोज है ना, उज्जैन, ये उज्जैन में क्या है, काली सिंधी नदी के दाहिने तट पर, ठीक है। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी उसके बारे में जान लेते। इसकी खोज की थी विष्णुधर वाडकेकर ने, किसने, विष्णुधर
वाकण कर, विष्णुधर वाकण कर ने इसकी खोज की थी। किसने? श्रीधर। विष्णु श्रीधर, सॉरी विष्णु श्रीधर है मेरे प्यारे साथी। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक, ठीक है। श्री विष्णु श्रीधर वाडकेकर ने इसकी टीटी। यहां से हमें कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है जो मिलती है कि स्टेटाइट, क्या स्टे टाइट और कार्लोनियन, कार्नेलियन, ये वो कीमती पत्थर हैं स्टेटाइट कार्नेलियन, जिनके मोती इनके है ना, पत्थरों के हार, क्या ठीक है, पत्थरों के हार, गोलियों के जो पत्थर थे उनकी गोलियां थी, तो इन्हें आप पत्थरों के हार यानी गोलियों के, ठीक है, गोलियों के हार हमें यहां से मिलते हैं। और जो मिलती है यहां से चॉकलेटी रंग के चित्र, ठीक है, कौन से चॉकलेटी रंग के मिलते हैं चित्र, चॉकलेटी रंग के चित्र, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें ओजियाना की, तो ओजियाना जो है वो राजस्थान, ओजाना मिलता है राजस्थान। और ये यहां से कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये है राजस्थान के कहां से, ये राजस्थान में है, राजस्थान के भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के पास में पड़ता है बदनौर, ठीक है, बदनौर के पास में ये कोठारी नदी है, कोठारी नदी, ठीक है, कोठारी नदी के जो मिलता है ये यहां मिलते हैं। इसकी जो खोज करने वाली थी, कब हुई थी इसकी खोज, ये जो स्थल है इसकी खोज सन 1999 और 2000 में इसकी खोज की थी। की थी किसने? वी आर मीणा, ठीक है, किसने? वी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी, किन्हे? आलोक त्रिपाठी ने, आलोक त्रिपाठी। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा रेड मार्कर थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए हम ब्लैक शुरू कर देंगे, ठीक है। अब क्या बचता है, ठीक है, अब जो बचता है यहां पर बचता है रोजदी। रोजदी क्या है? ये गुजरात में है मेरे प्यारे साथियों। हमें मजबूरन रेड मार्कर थोड़ा हमारा कम हो गया है, इसलिए हमें ब्लैक मार्कर शुरू करना पड़ेगा। तो ये है रोजदी। रोजदी कहां पर है? तो रोजदी जो है वो गुजरात में है, ठीक। और ये क्या है? ये गुजरात में है और हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन स्थल है। अब यहां पर समझने की आप थोड़ा कोशिश करना, मेरा जो समझाने का तात्पर्य है वो यही है कि क्वेश्चन यही होता है, इसको हल करना होता है, लेकिन इसके अलावा जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को इन्हीं में बदलने की प्रक्रिया भी करते हैं। जैसे कि हो सकता है जारवे संस्कृति से संबंधित कि इसका समय पूछ लिया जाए,
कौन से युग की है उसे पूछ लिया जाए, किसने खोज की इसे पूछ लिया जाए, इससे संबंधित कौन से पुरातत्व स्थल है उन्हें पूछ लिया जाए, या फिर यहां से कौन कौन सी चीजें जो महत्वपूर्ण है हमें जारवे संस्कृति से मिली, ठीक है, इनके आधार पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो तांबे से निर्मित रथ, अब ये इनमें एक चीज अब कॉमन है कि देखो ये जो है वो ताम्रपाषाणिक युग की है, कौन सी, महाराष्ट्र, जारवे और कायथा, ठीक है, ये ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां हैं। ओजियाना जो है वो पुरातात्विक स्थल है, रोजदी जो है वो भी पुरातात्विक स्थल है, लेकिन ये हड़प्पा कालीन है, रोजदी हड़प्पा के समय का है और हड़प्पा से पहले जो था वो लोहे युग था और लोहे युग से पहले क्या था वो ताम्रपाषाणिक युग था। तो अगर इसका क्रम भी पूछ लिया जाए कि आप इन्हें, तो यहां पर अगर ये चीज पूछ ली जाए कि भैया इनका समय, तो देखो भाई सबसे पहले क्या आता, ये आती है कायथा, तो कायथा का जो समय है वो 2000 से 2000 से 1800 है, उसके बाद में समय है जारवे का कितना 1400 से 700 है, ठीक है, उसके बाद में अगर आती है तो ये ओजियाना और उसके बाद में आती है हड़प्पा, ठीक है, तो ओजियाना और हड़प्पा का जो समय है वो खोजने के बाद में है। आप अगर संस्कृति आए तो इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ईसा के बाद में आ जाती है, ठीक है, यानी ईसा से पूर्व की। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो समझाने का तात्पर्य है वो यही है कि यहां से कौन कौन से महत्वपूर्ण और भी ज्यादा तथ्य हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको भी हल करके दिखाया। अब देखो इनमें ऑप्शन कौन सा होगा, जारवे संस्कृति महाराष्ट्र, तो एक आ दो कहां पे है, एक आ दो यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में है, तो बी का तीन होना चाहिए, बी का तीन यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है, उसके बाद में ओजियाना, ओजियाना यानी चार, यानी सी का चार, सी का चार यहां पर है, बाकी किसी में नहीं है, तो हमें तीन मिल गए, रोजदी गुजरात यानी एक, ठीक, तो इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। मेरे इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं।